अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गूगल स्मार्ट लॉक के बारे में, तो उसके नीचे एक कमेंट आया जो मैं यहीं पे आपको साइड में दिखा दूँगा। उसके बाद एक दूसरा कमेंट आया तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। उन कमेंट्स के मैं जवाब नहीं देख सका क्योंकि मैं स्टडी भी करनी होती है, मेरा फ़र्क था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि उस कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ उस पर ताकि उनको कम्प्लीट तौर पर समझ आ जाए। पिछली वीडियो में भी मैंने कम्प्लीट तौर पर बता दिया था कि गूगल स्मार्ट लॉक अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कैसे उसे इनएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उस भाई को शायद नहीं समझ आया था तो उन्होंने इसीलिए पूछा था। आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट लॉक को अपने मोबाइल में इनएक्टिव कैसे किया जाता है, और उसे ये भी आपको उसके बाद बताऊंगा कि उसे उसके बाद एक्टिव कैसे किया जा सकता है। तो इसके साथ ही चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देख लिया है और मेरी इंट्रो वाली वीडियो में भी देख लिया है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने गूगल स्मार्ट लॉक, जिसकी वजह से बार बार कई लोग तंग होते हैं और कई लोग उससे इरिटेट होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं होता तो वो उसे रिमूव करना चाहते हैं, कि अपने मोबाइल से कैसे उसे रिमूव किया जाएगा। तो यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने ये कम्प्लीट तौर पर समझना है कि गूगल स्मार्ट लॉक को कैसे इनएक्टिव किया जाता है मोबाइल में, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगी। अगर आप वीडियो का एक भी सेकेंड स्किप करते हैं तो आपको पूरी समझ नहीं आएगी, जिससे फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और फिर बार बार मैं उस सवाल का जवाब दे चुका होता हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वीडियो पूरी ना देखते हुए। तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे सेटिंग्स के आ गए, तो सेटिंग्स पे हमें इसे करना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। जैसे ही हमने स्क्रॉल डाउन कर दिया है तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे सेकंड लास्ट पे गूगल का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही हम गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, हमारे मोबाइल में जो जी मेल ओपन है उसका यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो फिल के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, और यहाँ जैसे ही ऑटो फिल विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि पासवर्ड जो होते हैं ये पासवर्ड के ऑप्शन में सेव होते हैं। अगर आपने वो वीडियो, अगर आपको पासवर्ड्स भी देखने हैं, पासवर्ड्स को कैसे डिलीट किया जाता है, पासवर्ड्स को कैसे वहाँ से देखा जाता है, तो उसके लिए मैं आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज पढ़ लेते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है यूज़ ऑटोफिल विद गूगल। अगर ये हमारा ऑन होता है, जैसा कि मेरा अभी ऑन है, तो मैं जो भी साइट ओपन करूँगा, जो भी मसलन फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो भी साइट है मैं ओपन करता हूँ, गूगल पे ओपन करता हूँ, तो मेरा पासवर्ड वहाँ पर सेव हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पासवर्ड पर। तो अगर मैं इसे इनएक्टिव करना चाहता हूँ कि मेरा कोई पासवर्ड सेव ना हो वहाँ पे और बाद में मुझे इरिटेट ना करे, बस लोगों को मैसेजेस इरिटेट कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेजेस, मैसेंजर जो है इस पे लोगों को इरिटेट कर रहे होते हैं मैसेजेस, तो वो चाहते हैं कि अपने मोबाइल में गूगल स्मार्ट लॉक को इनएक्टिव कर दें, जिसकी मदद से उनका ये इरिटेट ना कर सके। तो उसके लिए हमें ये जो एक्टिव बटन लगा हुआ है ऊपर, इसके ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनएक्टिव हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई निशान एक्टिव नहीं है, सभी निशान इनएक्टिव हो चुके हैं। अब अगर कोई भी मैसेज करता है मुझे किसी भी साइट पे, तो मुझे उसका मैसेज नहीं रिसीव होगा,
अगर मैं इसे दोबारा एक्टिव कर देता हूँ तो उसका मैसेज मुझे रिसीव हो जाएगा, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या कोई भी वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है जिस पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, गूगल पे। अगर वो इसे इनएक्टिव करके वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो सेव नहीं होगा। अगर मैं आप जाके से यहाँ पे किसी भी साइट पे जाके अकाउंट बना लेता हूँ तो वो गूगल स्मार्ट लॉक में सेव नहीं होगा। और इसे अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं बाद में तो यहाँ पे एक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे एक्टिव कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि तमाम जो ऑप्शन हैं ये अवेलेबल हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। तो बेहतर यही है इसे एक्टिव रहने दिया जाए, मगर आप इरीटेट हो रहे हैं तो इसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं और इंशाल्लाह मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।